सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अगर ये मस्तक झुकाना है तो प्रभु भगवान की चरण धूलि में झुकाइए। आजकल लोग अविवेकी इसलिए हो गए हैं, आजकल के बच्चों को मर्यादा इसलिए नहीं है, आजकल की बच्ची अविवेकी इसलिए हो गए हैं कि वो घुटना छूते हैं, पैर नहीं छूते, उनका मस्तक नहीं झुकता, इसलिए अभिमान युक्त हैं। अभिमान का मर्दन कैसे हो? झुकने से होगा। अपने माता, अपने पिता, अपने संत, अपने गुरु, श्रेष्ठ जनों के चरणों में मस्तक झुकाओ। मस्तक झुकेगा तो आपको विवेक होगा, आपका अभिमान का मर्दन होगा। पहले के लोग बड़े विवेकी होते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, झुककर के प्रणाम करते थे। झुकना तो कोई चाहता नहीं आज के युग में। पहले बहुएं सासों के जब सोती थी तो पैर दबाती थी, ऐसी कई बहू यहां बैठी होंगी, सास भी बैठी होंगी। आजकल की बहू ऐसी हैं कि बेचारी सास से ही पैर दबाने की कोशिश करती हैं। बहू अगर दबाएगी तो गुलाई दबाएगी सीधा, पैर नहीं दबाएगी, सारा साम्राज्य मेरे पास ही आ जाए। सेवा का बड़ा प्रफल है, जिसके जीवन में सेवा है उसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में सेवा है उसके जीवन में कृष्ण है, जिसके जीवन में सेवा है उसका स्वभाव नम्र है। क्योंकि सेवा करने से अभिमान मिटता है, दान करने से धन शुद्ध होता है, और सेवा करने से मन शुद्ध होता है, और कृष्ण का नाम जप करने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए सेवा करते रहो, सेवा ही परम धर्म है। जिसके जीवन में सेवा है वो धर्मवान है। राम हो विग्रहवान धर्म हो, इसलिए सेवा करते रहिए, सेवा से जी मत चुकाओ। हनुमान जी के जीवन में अगर राम जी के प्रति सेवा नहीं होती तो क्या हनुमान जी राम के प्रिय बनते? बताओ, सेवा करके ही हनुमान जी राम के प्रिय बने? जो काम कोई नहीं कर सका, इतने बड़े बड़े भालू नहीं कर पाया, वो रीछ नहीं कर पाया, जामवंत जी कोई कंबलशाली थे क्या? नहीं कर पाए। जिन हनुमान जी की राम की चरणों में अटूट भक्ति है, श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, वही राम के नाम के सहारे लंका को जला करके आ गए। सयोजन का समुद्र लांघ दिया, कितने कष्ट आए, कितने राक्षसी मिल गई। जय श्री राम का नाम लेकर के मुष्टिका मार दिया और सब जितने भी राक्षस असुर असुरानी मिले सबको मार गिराया, और राम काज किए बिना मुई कहां विश्राम। जिसके जीवन में सेवा है सच में भगवान उनके ही हैं। अब देवियां सेवा करके ही तो अपने सास के ससुर के अतिथियों का मन मोह लेती हैं, अपना बना लेती हैं। इसलिए सेवा से जी मत चुराओ। सेवा कर करके जितना आपका पसीना बाहर निकलेगा उतना ही आपका तन, आपका मन
सरल बनेगा, नम्र बनेगा, निर्मल बनेगा। और जिसका मन निर्मल है वही भगवान की प्राप्ति है। कहने का अभिप्राय यही है। कुंती ने कहा, प्रभु मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, आपका दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कथा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। इधर कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ। इधर जब पांडव राजा बन गए, राजा बनने के बाद जो भीष्म पितामह अर्जुन के मारे हुए बाणों पर की सैया पर लेटे हुए थे, वहां कृष्ण पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के गए। कृष्ण ने प्रणाम किया और कहा, पितामह आज आपके पौत्र पांडव राजा बन गए हैं, इनको आप आशीर्वाद दे दिए। राजा को कैसा होना चाहिए? प्रजा का भला करने वाला राजा होना चाहिए। राजा का काम क्या है? प्रजा की कैसे रक्षा की जाए? हे पितामह, आप राजा रहे हैं, आपको अपना अनुभव है, अपने जीवन का अनुभव का दान इन पांडवों को आज करिए। इनको शिक्षा दीजिए। इसमें पितामह ने कहा, हे गोविंद, किसी का सम्मान कराना अगर कोई सीखे तो वो लाला तुमसे सीखे, क्योंकि कृष्ण को अपने मान की कतई परवाह नहीं, वो तो अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। कि अपना मान तले तल जाए पर भक्त का मान न टलते दे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते दे। अपने भक्त के लिए परवाह नहीं करते। जब युद्ध चल रहा था, भीम ने भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण से, कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में मैं तुमसे शस्त्र उठवा करके रहूंगा। कृष्ण ने कहा, हे पितामह, मेरी भी प्रतिज्ञा है, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़वाने के लिए भीम भीष्म पितामह ने जब बाणों की वर्षा की अर्जुन के ऊपर, अर्जुन रथ के नीचे गिर गए, घोड़े रथ के नीचे लेट गए, रथ का पहिया टूट गया। कृष्ण को लगा कि अब मुझे अपने मित्र सखा अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए। तुरंत भगवान प्रतिज्ञा को भूल गए और तुरंत दौड़ करके खड़े होकर के रथ का पहिया ही उठा करके और प्रहार किया भीष्म पितामह के ऊपर। तब भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु बस मेरी यही तो एक प्रतिज्ञा थी, मैं यही चाहता था, आपका कहना था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा, पितामह मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।